मेरे को सिर्फ बादाम खाने से ही मेमोरी बढ़ती है। सिर्फ बादाम में ही अच्छे गुण होते हैं ऐसा नहीं, एक चीज और है जिससे मेमोरी बहुत अच्छी होती है और वो हम कई बार फेंक देते हैं। कुमड़े का जो बीज होता है ना, जो उसके बीच में से निकलता है, जब अपन ऐसे कुमड़ा करते तो अंदर बहुत सारे बीज होते हैं ना, उस बीज को अगर हम सुखा लें या ना भी सुखाएं तो उसको पानी से धो के उसके अंदर जो सफेद मगज निकलता है उसको खाएं तो वो भी बादाम की तरह काम करता है, बल्कि बादाम से ज्यादा अच्छा काम करता है और उससे मेमोरी साफ होती है। तो ये अगर आप खाओगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी, दूध आपने बोला बिल्कुल सही बात है, दूध पीने की आदत डालनी चाहिए, करनी चाहिए, चाहे रात के समय पियो और सबसे बेहतर है कि आप नाश्ते में लो, नाश्ते के टाइम में लो। और तीसरी चीज जो आप लोगों को यूज करना चाहिए, मुझे पता है सबके नाक में यहाँ बनने वाले हैं इसके बाद और सबको मेरे से बहस करने वाले कि ये क्या खाने बोल दिए। तीसरी चीज है नहीं, तीसरी चीज है घी। खाते हैं, खाते हैं। ये मैं कह रही थी कि ये तो आप लोग करोगे तो घी जिसका आप लोगों ने ई बना दिया है उससे अच्छा ब्रेन का कोई सप्लीमेंट नहीं है। अगर हमको ब्रेन में सही वेव्स, मतलब जो हम देखते हैं ना इस तरीके से मुड़ा हुआ है ब्रेन, जैसे अखरोट की बनावट होती है, वो मोड़ आपको सही चाहिए। और हम ये जानते हैं ना कि जितना अच्छा वो मुड़ा रहेगा, जितना ज्यादा वो डेंस होगा उतनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी, तो उसके लिए सबसे ज्यादा काम करता है घी। अगर आप चाहते हो ना कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो अच्छे से रजिस्टर हो, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ जाके, यू नो व्हाट, ये एक नर्व सेल है, मान लो ये एक नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है, दोनों के बीच में अगर सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो बीच में एक केमिकल होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वो केमिकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको सही मात्रा में लिक्विड अगर हमको रखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है घी। तो आपको ज्यादा नहीं खाना है, आप रोज खाओ तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी, प्लस ये भी होगा कि बुढ़ापे में ऐसा होता ना कि जहां मैं चल रही हूँ फिर रही हूँ तो मेरे जॉइंट से आवाज आ रही है कट कट की, कई लोगों को अभी से आती होगी, कई लोगों को कैसे लगता है अरे यार हो गया, मैं अपने आप कैसे ठोकते होंगे, चल यार चल हो जा चार्ज हो जा चल काम करना है, तो वो इस तरीके की चीजें नहीं होगी अगर आप घी खाओगे। तो बुढ़ापे में जॉइंट प्रॉब्लम से बचना हो, चाहते हो कि आपकी स्किन जो है झुर्रियां नहीं पड़े उसमें, चाहते हो कि वजन सही मात्रा में रहे। अब एक चीज और है कि मिथ है ये कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, जो बात निकली थी वो ये निकली थी, रिसर्च ये बता ज्यादा घी खाने से मोटापा आता है, लेकिन वो ज्यादा शब्द डिलीट कर दिया गया और ये रह गया कि घी खाने से मोटापा होता है। घी खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, ज्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है। अगर आपके घर में चार लोग हैं और महीने में अगर 5 किलो घी उठ रहा है तो आप ज्यादा घी खा लो तो आप हार्ट अटैक से मरोगे, लेकिन अगर महीने भर में 1-8 किलो घी खा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, वो जरूरी है, वरना आपके शरीर में लिक्विड फ्लो कहाँ से रहेंगे। जो जॉइंट में बाद में अलसी खाते हैं लोग, आप लोगों ने सुना था ना घुटने में दर्द हो रहा है अलसी खा लो ऑयल कम हो गया है, अरे तो आप जिंदगी भर से घी खाने का जो हमारा रिवाज है उसको खाओ, उसके बाद उसमें कभी कमी होगी तो बताना, मेरे को हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये कि एक तो हमने घी से ये जॉइंट वाला देखा। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, जब भी आप कभी बीमार पड़ते हो आपकी मम्मी सबसे पहले आपको खिचड़ी बना के देती है, उसमें क्या डालती है? घी डालती है। मतलब वो घी का कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा, उस घी में कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ना कि उसको हमेशा हमको स्वस्थ करने के लिए दिया जाता है, तो उस घी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है और उसके वजह से वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जब आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी तो आप बार बार